और जो पार्ट हम जुड़ेंगे उसके ऊपर एक लॉक देना है, ठीक है। पहले नीचे से एक स्टिच देना है, उसके बाद ऊपर से लॉक देना है। बस हमारा स्लीव हम ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हम वर्टिकल से कोई भी स्लीव हम कर सकते हैं, यानी कि हम जो हमारा जो हॉरिजॉन्टली होता है, हम उस तरह हम अपना स्लीव को नहीं बिठा कर कटेंगे, हम कटेंगे। और ये देखिए, जो हमने जब हमारा जो स्लीव है और उसका जो बटम है और उसके नीचे फ्रेंड, हम लोग इसी तरह जैसे हम डाउन तैयार किया है, तो ये देखिए इसी तरह एक पार्ट फोल्ड करके हमने पक्का कर दिया है उस जगह को, ठीक है। और हम स्लीव को भी हम हेमिंग से ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसी तरह जैसे हमने डाउन लगाया, उसी तरह लगाने से हमारा स्लीव का जो बटन है वो हमारा पक्का हो गया, ठीक है। अब ठीक है, और उसके बाद और एक हम इस जगह में एक लॉक देना है हमें, ठीक है। फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मैं बाकी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। शॉर्टिंग करने के लिए ये हमारा जो घाट पार्ट है इसे फोल्ड करना है, और ये हमारा जो हुक पोटी है ये तो ऐसा ही है, मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा। और ये फोल्ड, ये हमारा घाट पोटी, ये जो पोटी है वो फोल्ड करके ऐसे करके ऐसे करते हैं, दोनों पार्ट मिलाते हैं हम, इस पार्ट को इस पार्ट को, और ऐसे करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें ऐसे देखना है, तो हमारा सभी पार्ट ठीक ठाक ही है। तो मैंने पहले ही बोला फ्रेंड, आप स्टाइल को जिस स्टाइल को मैंने दिखा रहा हूँ स्टाइल को फॉलो करें, तो आपका कोई शॉर्टिंग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारे सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है और इसके बाद ये कुछ भी नहीं, ये जब हम ऐसे करेंगे इस जगह पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए गले के लिए जो पोटी हम लगाते हैं, तो वो पोटी आपको इसी तरह छोटा छोटा पोटी आपको जुड़ कर आपको बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑर्डरी में तो इतना कपड़ा नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि कपड़ा जैसा कपड़ा जितना कपड़ा हो तो उसी से आपको करना है, तो इसलिए आपको छोटा छोटा करके पीस करके आपको इसी तरह जुड़ कर करना पड़ेगा। और ये देखिए शॉर्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हम जब राउंड शेप देते हैं तो इस जगह के थोड़ा सा हम एक दो प्लीट हम देते हैं इस जगह में, ठीक है। यानी कि जैसे हम जब उल्टा करके जब हेम देते हैं, तब हमारा हेम देने के लिए और गले के शेप के लिए आसानी होगा इस जगह को। ये जब घूमेगा ये राउंड शेप वाला जगह में, आपको इसी तरह हम पोटी में हम प्लीट देंगे। और ये जो हमारा जुड़ा पार्ट है इस जगह में, तो ऑब्वियसली आपको देना है बस, और कुछ भी नहीं है और सीधा चलेगा। और फ्रेंड आपको ये जो पोटी मैंने लगा रहा हो, ये आपको ओरो पोटी लेना है, ठीक है। यानी कि पैरेलल कटिंग करके आपको लेना है, ये देखिए फिर से इस जगह को राउंड शेप हो रहा है, तो इस जगह के हम पोटी में हम प्लीट देंगे। एक और दो देने से काम चल जाएगा हमारा। और कुछ भी नहीं है, इसी तरह उधर भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें लॉक देना है। और फ्रेंड जैसे कि हमारा पोटी लगाना होने के बाद आपको इसी तरह एक लॉक देना है, ठीक है। ये देखिए बस, और इधर कच्चा ही रहेगा। और हेमिंग करके करने के बाद ये हम ऐसे घुमा कर करते हैं, जो हेम करते हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है। और हमारा हेमिंग वीडियो कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो दिखा दिया था, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं कैसे हेमिंग करना है, ठीक है। इसी तरह लॉक देना है और कुछ भी नहीं है।
और ये फ्रेंड स्लिप लगाने से पहले आपको गले का पट्टी लगाना बहुत जरूरी है, तभी लगाने के लिए आपको आसानी होगा। और ये देखिए, जैसे इसी तरह आपको जब हमारा स्लीव है तो स्लीव को ऐसे जुड़ना है, और हमारा क्या करना है, हमारा जो ऑर्डरी ब्लाउज है उसे उसका हमें मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। तो स्लीव राउंड जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो हम अपने जो ऑर्डरी ब्लाउज दिया है वो ऑर्डरी से हम ले चुका हूँ। और उसके बाद ये देखिए इसी तरह आपको शॉर्टिंग करके वो स्टिच देना है हमें, ठीक है। इधर देना है और ऊपर में भी देना है, दोनों तरफ देना है आपको। ये देखिए ये हमारा स्लीप राउंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो ब्लाउज में बना रहा हो उसका एक मेजरमेंट चाहिए आर्म होल का, और हमारा जो सीम्स लाइन है उधर हम मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम मेजरमेंट का पता चल गया, और उसके बाद हमें वो मेजरमेंट लेकर हमारा जो स्लीव है उसको एक ड्रॉ करना है और हमें सीम्स लाइन देना है उसको। ठीक है, वो देने से हमारा काम तो बन गया, और इसके बाद हमें स्लीव लगाना है और कुछ भी नहीं है। और स्लीव लगाने के बाद मैं फिर से दिखा रहा हूँ, और ये देखिए जब हम स्लीव लगाएंगे तो क्या करना है, जब हमारा जो जो बैक पार्ट और जो फ्रंट पार्ट का जो जुड़ा हुआ पार्ट है तो उसके सीधा ही ये पार्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि हमारा स्लीव का जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो एकदम समान रहेगा इस जगह में, ठीक है। ये देखिए, अगर हमारा जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा जो फ्रंट पार्ट बड़ा करते हैं तब हम हाफ इंच फ्रंट की ओर देते हैं, यानी कि हमारा जब एस पार्ट जिधर है उस तरफ हम देते हैं, और अदरवाइज आपको इसी तरह रहेगा। ये देखिए, और उसके बाद इसी तरह आपको करना है। और स्लिप लगाने के लिए फ्रेंड जैसे कि मैंने बोला आपको दोनों पार्ट एक ही तरफ रखना है, यानी कि बैक पार्ट और जो स्लिप का पार्ट है ये तरह इसी तरह समांतराल रखना है इस जगह को, ठीक है। ये देखिए इसी तरह रखना है, ठीक है, यानी कि दोनों पार्ट समांतराल रखना है, और उसके बाद जो चाप हमको फॉलो करना है। तो बहुत ही ईजी है, और उसके बाद फ्रेंड हमको आपको डबल स्टिच देना है इस जगह को, और उसके बाद एक टेप लगाना है ऊपर में थोड़ा सा। वो पट्टी भी पका रहेगा, ठीक है, यानी कि ये देखिए इसी तरह पका करके हम लगाते हैं। जो टीप बोत हम लगाते हैं वो उसके लिए एक फीते चाहिए हमें, इसी तरह करते हैं। ऑर्डरी के लिए दो टेप लगाना है, और रेडीमेड के लिए एक कम चल जाएगा, वो हमारा जब पीछे से राइट में पड़ेगा और सामने से हमारा जो लेफ्ट में दिखेगा। और ये देखिए इसी तरह हमें लगाना है, टेप लगाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। और हमारा ऑर्डरी ब्लाउज तैयार हो गया, और मैं नीचे देकर फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो ऑर्डरी ब्लाउज है तैयार हो गया है। तो आपको ऑर्डरी में काम करना है तो आपको इसी तरह तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि हमने पट्टी लगाया है तो इसी तरह लगाना है, और उसके बाद बाकी जो थोड़ा सा काम है इसी तरह आपको वो हेमिंग में करेगा, ठीक है। आप चाहे तो इस जगह में कॉर्ड भी दे सकते हैं,
जो पाइपिंग हम देते हैं आप डोरी दे सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मगर बेसिक का जो स्टाइल है, जो तरकीब मैं दिखा है आप लोगों को, आपको उसी से करने से आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और फिटिंग फैन 100% आपका ये फिटिंग्स होगा, ठीक है। और जैसे कि आपको हेमिंग में करना है, मशीन में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड उन लोगों से कह लूँगा आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन लोगों को फिर से मैं दिल से थैंक्स कह रहा हूँ फ्रेंड। अब इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सूरत एंड गुड नाइट।